आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी डीएम व एसपी सिटी ने सुरक्षा को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। अधिकारियों ने घंटाघर, सराफा बाजार, वेरी बाजार जैसे बाजारों में जाकर व्यापारियों से भी बातचीत की और वहां का हाल जाना। एसएसपी व डीएम ने आए दिन लूटपाट व छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए। निकालने का उद्देश्य क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो आगामी त्यौहार है उसमें एक शांति के लिए जो है हम लोग मतलब जगह जगह जो है फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि जनता में भी एक अच्छा मैसेज रहे कि हम लोग उनके लिए सतर्क हैं और किसी भी तरीके का कोई जाम है या कोई महिलाओं से छेड़छाड़ है, बाजारों में भीड़ भाड़ है, कोई लूट की घटना ना हो, ये सब लोगों को एक अच्छा मैसेज भी देना है कि हम लोग उनके साथ हमेशा है। हमारी फोर्स भी तैनात रहती है, मजिस्ट्रेट भी रहते हैं, 24 आवर्स हम लोग उनकी सेवा में है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अच्छा वातावरण भी है और एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। बेसिकली आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं, दुर्गा पूजा हो रही है, जगह जगह दुर्गा पूजा के आयोजन हो रहे हैं, इसके साथ ही धनतेरस और दिवाली आ रहा है, इसको देखते हुए एक सुरक्षा का माहौल लोगों में पैदा हो इसको मद्देनजर रखते हुए यहां प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। शहर के जो मुख्य बाजार है उसमें सभी लोगों से वार्ता और इन चीज़ों को देखते हुए किया गया। सर, जगह जगह जाम की समस्या देखने को मिलती है क्योंकि जाम बड़ी समस्या है शहर के लिए, तो सर इसके लिए कोई कदम उठाया जाए? ट्रैफिक विभाग को बता दिया गया है, जाम की समस्या को निपटने के लिए दीर्घकालिक प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है और शॉर्ट टर्म में भी इसमें लोगों को शामिल करके इसका समाधान कराया जा रहा है। सर, फ्लैग मार्च में कौन कौन से मुख्य बाजार रहेंगे? सर, बेसिकली जो सराफे की बाजार, कपड़े वाली मार्केट, इन सब को हम लोग कवर करेंगे जहाँ व्यापारियों में भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है और शॉपिंग बाकी चीज़ें लोग करते हैं। थैंक यू जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉक्टर गौरव ग्रोवर महोदय द्वारा पुलिस लाइन बहराइच में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्य अर्पण करके फूल अर्पण किए गए तथा महोदय द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को संबोधित कर सत्य एवं अहिंसा पर चलने हेतु मार्गदर्शन किया गया व शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर पुलिस लाइन में जागृति विकास सेवा संस्थान के सौजन्य से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। पुलिस लाइन बहराइच स्थित पुलिस मॉडर्न स्कूल में प्रतियोगिता कराई गई जिसमें श्रेष्ठ बच्चों को महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कंबल भी वितरित किए गए। सत्र के पद से हम लोग विचलित हो रहे हैं और यदि हमें अपने पद और प्रतिष्ठा को फिर से कायम करना है तो सत्य और अहिंसा को हमारे व्यवहार का हमें अंग करना पड़ेगा। यही हमारे महात्मा गांधी जी की हमारी बहुत सबसे बड़ी शिक्षा है। मैं आशा करता हूँ कि जब इस जन दिवस के अवसर पर हम आते हैं तो नया संकल्प लें और अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें और सत्य के अहिंसा की राय पर चलने के लिए एक संकल्प लें। इस संबंध में यह शपथ भी आज आपको पढ़ाई गई है। बस मुझे यही कहना है। धन्यवाद। विसर्जन करवाइए। जनपद हरदोई के सवाईजपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने भूमि विवाद विरासत चक रोड पर संबंधित शिकायतों के निस्तारण कराए जाने, विभागीय अधिकारी पेंशनरों की जांच कराकर पेंशन उपलब्ध कराए जाने व विद्युत विभाग की शिकायतों को लेकर विद्युत अभियंता को निर्देश दिए। कुशीनगर जिले के तरियासुजान थाने की पुलिस सर्विलांस टीम व स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश सुपारी किलर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 1,75,000 रुपए की सुपारी लेकर हत्या किए जाने के मामले का खुलासा कर दिया है। सुपारी किलर व सुपारी देने वाले को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया गया है। सुपारी किलर एक सुपारी किलर है जो जनपद में एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि पैसे लेकर के किराए पर हत्या करने का, उस तरह का ये अभियुक्त आज पकड़ में आया है। और ये वैसे बहुत दुर्दांत अपराधी इस जनपद का है जो माह फरवरी 2019 से कई केसेस में और मर्डर का प्रयास, लूट करने के प्रयास में मर्डर और पुलिस वालों पर हमला, इस तरह से कई केसेस करके ये पुरस्कार घोषित होकर फरार चल रहा था और अब एक सुपारी किलर के रूप में इसने काम शुरू किया था। अभी हाल में कसिया थाना क्षेत्र में कुशीनगर में बौद्ध मंदिर के सामने एक व्यापारी के ऊपर हमला हुआ, उसके कान के पास से गोली गुजर गई थी, कान में हल्की चोट आई थी, तो पता लगा कि इसके पीछे क्या कारण है। उसके
घटना के अनावरण के प्रयास के दौरान ये पता चला कि कुछ लोगों ने पैसे दे करके हायर किया है शूटर्स को और उसका मर्डर कराने का प्रयास किया। उसी सिलसिले में छानबीन के दौरान इस अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिसने पहले भी कई हत्याएं की हैं, हत्या का प्रयास किया है, लूट का प्रयास करते हुए हत्या कर दिया है और अब पैसा लेकर के लोगों की हत्या करने पर आमादा था। संयोग अच्छा था, उनका जीवन बचना था, इसलिए उनको गोली सीधी नहीं लगी और उसे ये पता चला है कि ये अभियुक्त इस तरह का क्राइम कर रहा है। पुलिस ने कितना इनाम किसका घोषित किया था बरामदगी? इसके पास से अवैध असलाह कारतूस बरामद हुआ है और इसके पास जो एक घटना इसने रामकोला थाना क्षेत्र में किया था, लूट का प्रयास करने के दौरान आदमी बैंक से पैसा निकला था और उसी समय उससे पैसे छीनने के प्रयास में उसने गोली मार दी थी, पैसा भी छीन नहीं पाया था, पैसा उसका वहीं गिर गया था और उसका आधार कार्ड इसके पास से मिला है, हो सकता है उसका कुछ मिसयूज करने के लिए ले गया हो। और क्या पूछा आपने? 25,000 रुपये घोषित चल रहा था। उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं अन्य मांगों को लेकर एमएलसी राम अवध यादव की अगुवाई में तहसील पडरोना में आयोजित धरना प्रदर्शन में सपा कार्यकर्ताओं ने अपना दमखम दिखाया। तहसील पडरोना पे आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे 15 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरने पर बैठे हैं और हम धरने पर बैठे हैं किसान के सवाल को लेकर के, गन्ना मूल्य जो बाकी है उस सवाल को लेकर के, जो बरसों से इस सरकार में चीनी मिल बंद पड़ी है उस चीनी मिल को चलाने के सवाल को लेकर के, जो फर्जी मुकदमे हमारे नेता आदरणीय आजम साहब के ऊपर दर्ज हुआ है उस सवाल को लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। जो बिजली की व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है और जर्जर है, उस सवाल को लेकर के हम धरने पर बैठे हैं। हम धरने पर छात्र नौजवान आज जो बेरोजगार हो रहा है उस सवाल को लेकर धरने पर बैठे हैं। हम धरने पर बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों की आए दिन उनका इनकाउंटर हो रहा है, उनकी हत्याएँ की जा रही हैं, उन फर्जी इनकाउंटर के मामले को लेकर के हम धरने पर हैं। हम धरने पर हैं कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो गई है, वो सड़कों को ठीक कराए सरकार, उसके लिए हम धरने पे हैं। और इस सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम 3 साल के अंदर नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने का काम किया था। हम गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं। हमारी 15 सूत्री मांग है और हम सरकार को जगाने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि ये सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है वो जगे और इन समस्याओं से उत्तर प्रदेश की जनता को निजात दिलावे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सही करे, अपराध रुके और फर्जी इनकाउंटर रुके, गन्ने की कीमत बढ़े, इन सब सवालों को लेकर हम धरना कर रहे हैं। जिले में ग्राम छितरवा रेलवे फाटक झांसी से बांदा की ओर जाने वाली एक ट्रेन से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। छितरवारा रेलवे फाटक के पास मृतक सुंदरलाल अपने बेटे की ट्रेन से गिरकर मौत की खबर सुनने से उसे ढूंढने के लिए रेलवे फाटक से ट्रेन की पटरी पर जा रहा था कि तभी अचानक सामने से आई ट्रेन से कुचल कर उसकी मौत हो गई। रेलवे वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे महोबकंठ थाना प्रभारी ने पूरे मामले की जांच करके शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बाड़मेर जिले के चौहटन उपखंड के वाघे का तला सावा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी न्यू माँ चामुंडा गरबा मंडल के द्वारा एक गरबा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में विभिन्न प्रस्तुतियां व डांडिया नृत्य कर भक्तों ने नवरात्रि में गरबे का आनंद प्राप्त किया। गरबा आयोजनकर्ता में ग्रामीणों का विशेष योगदान रहा। आपको ये गरबा देख करके अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। पिछले 5 सालों से हमारे गांव में गरबा नृत्य भी हो रहा है और हमारे गांव में प्रत्येक
मंदिर में गरबा नृत्य हो रहा है और हमें साल में 365 दिन में से 9 दिन का नवरात्र उपवास का मौका मिलता है। इसमें हमारे सभी गांव के लोग जो भक्ति से जुड़े हुए हैं सभी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, बहुत शानदार शानदार प्रोग्राम हो रहे हैं। ये साल में दूसरी बार हो रहा है, दूसरी साल लगातार इस प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, और बताइए।